अब बात करते हैं अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स जो अक्कर करते हैं मिनरलोकॉटिकोइड की वजह से ऑब्वियसली क्या क्या करेगा सिंपल कॉमन सेंस ज़्यादा यादवाद नहीं करना इसमें सोचो अल्डोस्टरॉन क्या कर रहा था ऑब्वियसली सोडियम एंड वाटर का रही कर रहा था सो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होगा रिटेंशन की वजह से क्या होगा एडिमा होगा बहुत ज़्यादा इंटोस्टिशियल फ्यूट एक्यूमुलेशन होगा हाइपोकलीमिक एल्कोलोसिस होगा हाइपरटेंशन होगा जब नमक हम कहते हैं हाइपरटेंशन के मरीजों की नमक कम खाओ क्यों क्योंकि सोडियम क्लोराइड से सोडियम ज़्यादा होता है तो जो स्टिफनेस होती है ब्लड वेसल की वो ज़्यादा बढ़ जाती है कंप्लायंस टू कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट वो कम कर देता है सोडियम जो ब्लड वेसल की कंप्लायंस होती है कि वो कंस्ट्रिक्ट हो या डायलेट हो वो सोडियम अफेक्ट करता है जितना सोडियम ज़्यादा बढ़ गया ब्लड के अंदर उतनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी ब्लड वेसल की वॉल में बट अब ये रेयर होते हैं क्योंकि हमारे पास हाईली सेलेक्टिव ग्लूकोकोटिकॉइड्स हैं तो अभी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं ग्रेजुअल राइज ब्लड प्रेशर में एक्सेस ग्लूकोकोटिकॉइड एक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। अब ग्लूकोकॉटिकॉयड्स के एडवर्स इफेक्ट्स याद करने में अब कुछ करना ही नहीं है बस इनका नाम याद रख लेना ड्यू टू ग्लूकोकोटिकॉइड्स जी से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हाइपर ग्लाइसीमिया डायबिटीज मिलेटिस में गेट प्रेसिपिटेटेड तो डायबिटीज के मरीजों में तो एब्सोलूटली कॉन्ट्राइडिकेटेड एल से लॉन्ग टाइम टू हील बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में यू से अल्सर पेप्टिक पिप्टिकल्सर सी से कशिंग सिंड्रोम ओ से ऑस्टियोपोरोसिस एंड माओपैथी सी से सी एन एस डिसऑर्डर्स साइकोसिस इंसॉमिया ओ से ऑक्यूलर डिजीजेस ग्लोकोमा कैट्रैक्ट आर से रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ठीक है क्योंकि फ्यूजन हो जाता है एपीफाइसिस का एपीफाइजियल फ्यूजन की वजह से देयर कैन बी स्टंटिंग इसीलिए छोटे बच्चों में नहीं देते जिनके में यंग एंड डेवलपिंग बोन्स होती है एपीफाइसिस एपीफाइजियल फ्यूजन हो गया तो ग्रोथ और होगी नहीं टी से थिन फ्रेजाइल स्किन आई से इम्यूनोसऑपरेशन तो ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाती है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कैन फ्लेयर अप

और आपने स्टीरोड भी बाहर से देना बंद कर दिया तो एनोरेक्सिया भूख ना लगना नोजिया मतली लगना मतली ठीक है पॉस्चुरल हाइपोटेंशन इलेक्ट्रोलाइट एम्बेलेंस वीकनेस पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डिजीज जिसके लिए दिया गया था कम वकत हमारी डिजीज ही वापस आ गई फिर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस दीस पेशेंट्स में गो इनटू एक्यूट एड्रेनल इंसफिशिएंसी विच कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड इंस्टेंट डेथ ऑफ द पेशेंट ठीक तो अब कशिंग सिंड्रोम के कुछ क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं रेड चीक्स चीक्स एकदम लाल हो जाती है मून फेस ये चांद सा रोशन चेहरा सुलफों का रंग सुनहरा सो so, चांद सा रोशन चेहरा मून फेस फैट पैड्स यहां पे बफलो हंप ब्रूजेबिलिटी कहीं भी चोट लगेगी तुरंत ठीक है ब्रूज लग जाएगी चोट लग जाएगी ब्रूजेबिलिटी एकाइमोसिस थिन स्किन हाई ब्लड प्रेशर पर्पल रेडिश पेंडुलस अबडोमन जैसे कि ठीक पुअर वूंड हीलिंग थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस ठीक ये सारे साइड इफेक्ट्स ब्रीफली डिक्रीज ग्रोथ इन चिल्ड्रेन ग्लोकोमा सेंट्रीपीटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट ऑस्टियोपोरोसिस Increased risk of infection, increased risk of diabetes, increased appetite, anorexia, emotional disturbance, hypokalemia, hypertension, peripheral edema.